हेलो लिसनर्स, आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कलर ग्रुप के बारे में। इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने राइट हैंड साइड से जो हमारे पास स्वेचेस पैनल है हम इसको ओपन करेंगे। हम इसको अनडॉक करते हैं। यहाँ से अनडॉक करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से अब हम देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर ये जो कलर्स शो हो रहे हैं, ये जो हमारे पास एक फोल्डर है ग्रे कलर का और ये जो हमारे पास सेकेंड है ये है अलग डिफरेंट कलर्स का। अब हम चाहते हैं इनको हम बोलते हैं कलर ग्रुप। अगर हम अपना ही कलर ग्रुप को क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्वेचेस पैनल को ओपन किया, यहाँ भी हमारे पास ऑप्शन आती है, इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं। पहले एक्सपेंड करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आती है न्यू कलर ग्रुप्स का। जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास न्यू कलर ग्रुप का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ से हमारे पास ऑप्शन पूछते हैं कि आप इस ग्रुप का क्या नाम देना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप देना चाहते हो माई कलर ग्रुप, ग्रुप दिया, हम इसको ओके करेंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पर हमारा माई कलर ग्रुप का एक फोल्डर जो है वो क्रिएट हो गया। अब हम चाहते हैं कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट में जो कलर है ये हमारे यहाँ पर शो करे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद हम देखेंगे यहाँ पर हमें फिल कलर में ये कलर जो है वो शो कर दिया। हम इसको ड्रैग करेंगे लेफ्ट माउस मशीन से बटन से, और हम जब यहाँ पर आएंगे ये हमारे पास एक वर्टिकल लाइन शो कर रहा है, तो हम यहाँ पे माउस को रिलीज कर देंगे। यहाँ पर ये हमारा कलर जो है वो एड हो गया। साइमल्टेनियसली हम सेकेंड ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम फिल कलर से इसको ड्रैग करके लेफ्ट माउस से, और यहाँ पर हम इसको रिलीज कर देंगे। थर्ड ऑब्जेक्ट का कलर इस तरीके से आप, फोर्थ ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट फिफ्थ ऑब्जेक्ट का कलर, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट ये ऑब्जेक्ट का कलर। यहाँ पर जब हमने ये ध्यान रखिएगा, जब भी आप अपने माउस को यहाँ पे रिलीज करोगे उसके साथ एक वर्टिकल लाइन जो है वो आपको शो होगी, तभी आप इसको माउस को रिलीज कर सकते हैं। अब अगर आप देखेंगे हमारे पास माई कलर ग्रुप का हमारा खुद का एक कलर ग्रुप जो है वो क्रिएट हो गया। इसका सबसे ज्यादा एडवांटेज ये है कि सपोज हम कल को कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं या हम कोई अपने कोई डॉक फाइल बनाते हैं, तो इसके लिए हम अपने कलर्स को भी यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें माई कलर ग्रुप जैसा एक ग्रुप्स को हम क्रिएट करके और हम इनको यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप इस फोल्डर पे आके क्लिक करेंगे और यहाँ से आप ऑप्शन पे करेंगे डिलीट कलर्स, मींस ये जो हमारा सिलेक्टर जो होएगा इसको हम डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको और नया बनाना है तो आप न्यू इस फोल्डर के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा एक नया कलर ग्रुप जो है वो क्रिएट हो जाएगा। मीन्स दैट कि अब हम इसमें से सपोज हम इसको सिलेक्ट इसको हम सेलेक्ट करते हैं, और अगर हम इसको डिलीट करते हैं तो आप देखेंगे वो आपको कह रहा है कि डिलीट द स्विचेस सिलेक्शन। अगर आप यस करोगे तो वो डिलीट हो जाएगा, अगर आप नो करते तो वो हमारे पास एज इट इज रह जाता। तो आज के ट्यूटोरियल में हमने स्विचेस पैनल में अपने कलर्स ग्रुप को क्रिएट और डिलीट करना सीखा। इसको हम मिनिमाइज करके वापिस हम इसको स्विचेस पैनल को अपने इसमें पोजिशन पे सेट कर देते हैं। थैंक यू।